थैंक यू वेरी मच। मैं हूं सुनील पाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं आप ही के अपने क्लब में, कॉमेडी क्लब में। हमारे रतन नूरा साहब इन दिनों एक धार्मिक चैनल पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आज का भविष्य कैसे होगा। बताने आया हूं आपकी आज की राशि। हालांकि दुनिया में सबसे बड़ी राशि तो धनराशि है और सबसे बुरी राशि चपरासी है। मेष राशि का आज का दिन ऐसे जाएगा कि भैया आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होंगे। उतार चढ़ाव इसलिए क्योंकि रहते हो 15वें माले पर और लिफ्ट आज तेरी बंद है, तो सीढ़ी से चढ़ के जाएगा और उतर के आएगा। उतार चढ़ाव। वृषभ राशि में आज तुझे पदयात्रा का योग है क्योंकि स्कूटर की हवा मैंने निकाल दी है और बस की हड़ताल है और ट्रेन में जाने की तेरी औकात नहीं है, तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पदयात्रा का योग है। मिथुन राशि, हालांकि मिथुन दा जो पेमेंट लेते हैं उसे भी मिथुन राशि कहते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबर, उनको आज घूमने फिरने का योग है। पूरे परिवार के साथ आप घूमने फिरने जाए और दिन भर घर में ना आए क्योंकि दिन में मिथुन की बहुत सारी फिल्में टीवी पे आने वाली है। कर्क राशि यानी कि कैंसर, जो भी मनहूस काम तू सोचेगा आज कर पाएगा क्योंकि तोरे लिए एक ही बात कहूंगा, यू कैन सर और एवरी मनहूस काम यू कैन सर। सिंह राशि, सिंह यानी शेर। जब शेर की बात चल रही है तो सिंह राशि वालों को एक शेरी सुना देता हूं कि मेरे तमन्नाओं की तस्वीर तुम सवार दो, मेरे तमन्नाओं की तस्वीर तुम सवार दो। अरे 1000 नहीं तो कम से कम 500 रुपये उधार दो। कन्या राशि, कन्या राशि वाली बहनों के लिए एक ही बात कहूंगा कि आज आपके घर पे सौतन आएगी। डर गई? अरे सौतन फिल्म आएगी, खूब मजे में देखना, मगर अपने पति के साथ मत देखना नहीं तो सौतन सचमुच आएगी। शायद हमारी ब्याह का विचार मनवा में आया है, यही खातिर अम्मा ने तोहरे हमको कुल्लड़ पे बुलाया है। तुला, मला नहीं तुला, तुला जो राशि है उसका आज का दिन, जिनकी राशि है उनके लिए कह रहा हूँ, आज तुम्हारी सांस का प्रॉब्लम होगा। तुम्हारी सेहत की सांस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी जो असली सांस है उसका प्रॉब्लम है। वो आज टपक जाएगी तुम्हारे घर पे और तभी बाहर निकलेगी जब तुम्हारी सांस निकलेगी। वृश्चिक राशि के बारे में यही कहूँगा कि आज पुत्र प्राप्ति का योग है। 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देगी तुम्हारे घर की बिल्ली। धनु राशि वालों गौर से सुनो, धन का लाभ होगा। खूब लॉटरी लगाओ, खूब लॉटरी खरीदो, धन का लाभ होगा। तुम्हें नहीं, लॉटरी वालों को। मकर, आज तुमको पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों आज तुमको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। सारे परिवार के लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि ये सब के सब साले जानते हैं कि आज तेरी पगार है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों कुंभ के मेले में घूमने मत जाओ, क्योंकि पिछली बार जिसको जानबूझ के तुमने अपनी बीवी को कुंभ के मेले में खो दिया था उसके मिलने का योग है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे कुंभ के मेले में जाके। और अंतिम राशि मीन, आज आपको किसी दोस्त की शादी में जाना पड़ सकता है, यानी 200 रुपये का बुके लेना पड़ेगा। 200 का नुकसान है लेकिन सॉल्यूशन बाबा के पास है। 200 का ले जाओ एक बुके और साथ में ले जाओ 3 बुके। पैसा वसूल, हम यही करते हैं भाई। इनका भविष्य मैंने अंधकार में नहीं डाल दिया तो मेरा नाम भी बाबा रतन नूरा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिश्रा जी, आपने खून होते हुए देखा जी, आप वहां मौजूद थे। अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो मैं खून होते हुए कैसे देखता? तो आपने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने अपने बगल वाले की आंखें 100 रुपया पर मिनट के रेट से भाड़े पर ली और फिर उसकी आंखों से देखा। क्या मतलब है इसका? अरे क्या मतलब जज साहब, आप कैसे बेतुके सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? अरे इंसान अपनी आंखों से ही देखेगा ना, किसी और की आंखों से देखेगा क्या? आप बताइए। ऑर्डर ऑर्डर, तो मौकाए वारदात से आप कितनी दूरी पर थे? मैं मौकाए वारदात से 31 फीट 6.25 इंच की दूरी पर था। आप श्योर हैं? जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। तो आप जरा कोर्ट को बताएंगे कि आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मौकाए वारदात से आप 31 फुट 6 इंच की सवा छह इंच की दूरी पर थे? क्योंकि जैसे ही खून हुआ मैंने अपनी जेब से एक मेजरिंग टेप निकाला और डिस्टेंस को नापा, क्योंकि मैं जानता था कि आगे जाकर कोई ना कोई बेवकूफ वकील मुझसे ये बेहुदा और बेतुका सवाल पूछेगा।